तो देखिए फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां पे। एक ये वाला रिजॉर्ट है अपना, एक यहां भी रिजॉर्ट है। यहां पे देखिए लकड़ी और घास से बना हुआ, और यहां कमल के फूल तो नहीं खिलते यहां पे। देखिए क्या बनाया है भाई, देखिए भाई एक जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है ना तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। धूप लग जाए और कब बारिश पड़ जाए, और पहाड़ियों में तो अभी भी स्नो पड़ रही है, तो एकदम से पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हेलो जी, तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक सुंदर से होटल के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है तो आप लोगों को भी दिखा दूंगा। एक रिजॉर्ट है बहुत अच्छा सा, और वहाँ पर ना जैसे आजकल गर्मियाँ आ चुकी है तो फूल खिल गए भाई। वहाँ का जो ग्राउंड है ना भाई, क्या मस्त लगता है। मैंने पिक्स में देखा था, रील्स बनाई थी एक दो लोगों ने, तो आप लोगों को भी दिखाते। उससे पहले ये चेकआउट कीजिए, आज का मौसम एकदम से साफ क्लीन आसमान हो चुका है, सूर्य भगवान जी निकल चुके। तो अभी देखिए हम लोग एक सुंदर से रास्ते से जा रहे हैं, इधर उधर दोनों तरफ हरियाली है देखिए, और बीच में अपना रास्ता। तो चलिए सीधे चलते हैं, आगे मिलते हैं, बीच में कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं आपको। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है ना तो एक अलग ही माहौल हो जाता है, लेकिन मनाली में थोड़ा वेदर कंडीशन ख़राब है अपना। कब धूप लग जाए और कब बारिश पड़ जाए, और पहाड़ियों में तो अभी भी स्नो पड़ रही है, तो एकदम से पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बट जो भी है, मस्त वाला माहौल चला हुआ है, कभी गर्मी कभी सर्दी। आपका सर्दियों में भी, सॉरी गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास हो रहा है, तो मतलब एक अलग ही माहौल है। तो यहाँ पर देखिए अपना फ्लावरिंग हो चुकी है गर्मियों की, लेकिन पहाड़ों में अभी भी स्नो पड़ रही है भाई। तो मतलब इस बार ना एक अलग ही माहौल हो रखा है, क्या हो रखा है ये पता ही नहीं चल रहा है। तो हरियाली देखिए चारों तरफ, क्या ही मतलब भाई, हरियाली देख के ना एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। और यहाँ पे देखिए सब जगह फ्लावरिंग हो रखी है, तो अपने जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स बनना भी स्टार्ट हो गया, एक मस्त वाला माहौल हो रखा है। यहाँ पे देखिए फ्लावरिंग, कभी जाएंगे हम लोग जहाँ पे फुल फ्लावरिंग होती है। इस साल तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ गए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक हम लोग प्लान करेंगे जहाँ पे फुल फ्लावरिंग होती है ना, वहाँ पे जाके वो पूरा एरिया दिखाएंगे आप लोगों को, पूरी जगहें दिखाएंगे आप लोगों को, पूरे पेड़ पेड़ होते हैं वहाँ पे और फुल फ्लावरिंग भाई, एक अलग ही माहौल होता है। जाएंगे नेक्स्ट ईयर में भी, इस ईयर तो फ्लावरिंग मतलब अब एंड सीजन पे ख़त्म होने वाली है। अब फ्रूट्स लग रहे हैं देखिए, तो देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग क्या मस्त वाली है, देखिए पूरे ग्राउंड में भाई। यहाँ पर देखिए भाई, यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था आपको। यहाँ पर देखिए, ओ भाई क्या मस्त है देखिए यहाँ पे। और ये रास्ता है जॉगिंग वाला, और ये होटल का ये जो रिजॉर्ट है ना, उन्हीं लोगों का है। बट ये देखिए तो देखिए फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां पे। एक ये वाला रिजॉर्ट है अपना, एक यहां भी रिजॉर्ट है। और देखिए यहां पे क्या मस्त भाई रास्ता है चारों तरफ से चलने का, और यहां पे देखिए सारी फ्लावरिंग फ्लावरिंग है। तो देखिए क्या ही मस्त लग रहा है भाई। और यहां पे देखिए एक बड़ा सा पेड़, और यहां पे बैठने के लिए आप चाय कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हो। तो भाई मस्त वाली लोकेशन है यहां पर देखिए। ओ भाई मैं इन्हीं फ्लावरिंग की बात कर रहा था आपसे, क्या मस्त लग रहा है ना। और चारों तरफ ऐसा ही है सेम सीन भाई, जिसने भी बनाया होगा ना इसको भाई बड़े सोच समझ कर देखिए। और कॉटेज भी देखिए क्या मस्त वाले हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए कॉटेज भी जो है ना बिल्कुल पुराने डिज़ाइन के, पत्थरों की छत, लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ देखिए। और यहाँ पे देखिए लकड़ी और घास से बने हुए छोटे छोटे आपके भाई कॉटेज है, आई डोंट नो क्या है, बट यहाँ पे देखिए लकड़ी और घास से बना हुआ। और यहाँ पर भी फ्लावरिंग भाई, जिसने भी ये चीज़ बनाई है ना, क्या मस्त चीज़ बनाई है भाई, बहुत ही सोच समझ कर देखिए, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। यहाँ पे साथ में अपना, ओ भाई यहाँ पे देखिए छोटा सा तालाब है, और आई थिंक यहाँ पे भाई ये
कमल के फूल तो नहीं खिलते यहाँ पे, देखिए क्या बनाया है भाई, देखिए भाई एक अलग ही व्यू है यहाँ का देखिए। और वो रहा सामने अपने लकड़ी और घास का, अंदर जाने के लिए अभी शायद बंद है यहाँ से क्योंकि काम चला हुआ है, घास निकाल के रखा है, न्यू घास लगा रहे हैं यहाँ पे ऊपर। बट जो भी है ना बहुत ही मस्त भाई, मैं ये चीज़ देखने के लिए आया था और थोड़ा काम भी था। तो चलिए अब ये तो दिखा लिया आप लोगों को, अब अपना काम करते और यहाँ से निकलते सीधे। तो देख लीजिए एक बार, ओ भाई। तो फिलहाल मैं वापस आ चुका हूँ रिजॉर्ट से, तो क्या ही मस्त रिजॉर्ट बनाया है। और जो फ्लावरिंग है ना भाई, क्या मस्त लगती है वहाँ पे भाई, क्या मतलब अलग से बिल्कुल सोच समझ कर लगाए गए वो जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स है ना, और रास्ता बीच से चलने के लिए। और वहाँ पे ना लकड़ी और घास से बना एक कॉटेज है, शायद अभी तैयारी हो रहा है, दिखाएंगे वो भी आपको। फिलहाल एक खुशखबरी है अपने लिए, आपके लिए भी, अपने लिए भी, कल से अपना शूट स्टार्ट होने वाला है अभी एक दो दिन का। तो अभी ना फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि मुझे घर जाना है, उसके बाद सारा सामान पैक करना है, उसके बाद मनाली जाना है। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते कल एक नई शूटिंग के साथ, नए डे में, मस्त वाले डे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।